हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। देखो, सोशल मीडिया पे इस वक्त एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है कि टाइगर 3 ये का क्या हुआ, हिट हुई कि फ्लॉप हुई, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन लोग कर रहे हैं। अच्छा, जो उल्लू जैसी शक्ल वाले इसके खिलाफ निगेटिव रिव्यू पहले दे चुके हैं, वो अब ये प्रूफ करने पर लगे हुए हैं कि ये फिल्म फ्लॉप हो गई है। और जैसा मैंने कहा था, उस वक्त लोग नाराज हो गए थे, अब लोग वापस आ रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि तुमने जो कहा था मैं बिल्कुल सही है, ये फिल्म फ्लॉप हो गई। ये तो वही बात हुई कि जो तुम सोचो वो सही है, जो तुम कहो वो सही है, जो तुम बोलो वो सही है, लेकिन तुमको ये नहीं पता नीचे जो लिख रहे हैं उसको भी देखो वो क्या बोल रहे हैं तुम्हारे खिलाफ। तुम्हारे चिल्लाने से सब कुछ नहीं हो जाता। और ये चीज़ का क्रेडिट तुम मत लो कि तुमने जो बोला वो सही है। पहली चीज़, एक आपको पता होगा, एक मिसाल देते थे कि अगर बेवकूफ आदमी मार्केट ना जाए तो सड़ी सब्जी खरीदेगा कौन, क्योंकि सड़ी सब्जी सब्जी वाला फेंकता नहीं, उसको पता है अभी कुछ बेवकूफ आएंगे और ये सब्जी खरीद के घर ले जाएंगे। तो ऐसे ही बेवकूफ है एक, ये बोलने वाला बेवकूफ उल्लू है और उसको जो सुन के फॉलो करते हैं वो बेवकूफ है, वो भी उल्लू ही है। टाइगर 3 के खिलाफ इतनी निगेटिव शुरू से लोगों ने फैलाई, उसके बाद ये लोग अब ये प्रूफ करने पे लगे हुए हैं ये फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊं, ये फिल्म एक नंबर जबरदस्त कमाल की है। न्यूट्रल ऑडियंस से इसको 90% जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। बाहर विदेशों में भी लोगों ने अच्छा रिव्यू दिया, आपने देखा होगा उसको भी। लेकिन हमारे इंडिया के जो चिटपुटी हैं उन्होंने इस फिल्म के खिलाफ गलत गलत बातें फैलाई हैं। अब उसको इसलिए प्रूफ करना है कि वो फिल्म फ्लॉप हो गई है, उसका रीजन ये है कि उनको पता चला जब उन्होंने उसके खिलाफ गलत गलत बातें बोली तो कितने सब्सक्राइबर जो है उनके चले गए, उनको अनसब्सक्राइब कर दिए। इसको पाने के लिए, वो अपनी बातों को फिर से रखने के लिए बात पे कह रहे हैं कि ये फिल्म फ्लॉप हो गई। जैसा कि पता है ये फिल्म आज भी थिएटर में लगी है और बिजनेस कर रही है, तो वैसा भी आपको पता है कि इस फिल्म के साथ कोई चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं। इसके जो प्रोड्यूसर हैं आदित्य चोपड़ा ने खुद इस फिल्म के लिए बहुत ही गलत काम किया। एक तो डेट गलत चूज, ऐसे मौके पे इसको रिलीज़ किया, एक प्रॉपर तरीके से इसको छुट्टी नहीं मिल पाई, जो भी हुआ इसके अगेंस्ट हुआ। उसके बाद जो ऐसे ऐसे चुटपुटियों ने अपना अपना जो रिव्यू खोल के बैठे हैं वो ऐसे ऐसे बयान इस फिल्म के खिलाफ दिया, उसके बावजूद अगर ये फिल्म इतना बिजनेस अभी कर रही है तो बहुत बड़ी बात है। इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये पावर है सलमान खान का, कि जो सलमान खान को देखने थिएटर जाता है ना वो इस भरोसे पे जाता है मुझे सलमान खान देखना है। लेकिन जब वो थिएटर जाता है और टाइगर 3 देखता है तो उसको पता चलता है सलमान खान के साथ साथ फिल्म के अंदर स्टोरी भी है, कहानी भी है, एक्शन भी है, सब कुछ है। जिसने ये फिल्म थिएटर में देखी उसको पता है। और रही बात इन नल्लों की, तो इनका रिव्यू आप शुरू वाला उठा के देखो, जिस थर्ड क्लास फिल्म को इन्होंने मास्टर पीस बताया है वो फिल्म थर्ड क्लास की है। आप इनसे अंदाजा लगता है इनकी नज़र में मास्टर फिल्म कैसी होती होगी, आप इसका अंदाजा खुद लगा सकते हो। माइंड सेट कर लेते हैं इनको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किसकी तारीफ करनी है। जिसके बारे में सोच लेते हैं इस फिल्म के बारे में बुरा बोलना है तो वो उसकी तारीफ कर नहीं सकते सिवाय उसकी बुराई के। एक्चुअली आपको मैं बता दूं, ये जो उल्लू जैसी शक्ल दिखने वाला इंसान है ये रियल में जो है साउथ का बहुत बड़ा भक्त इंसान है। और कुछ लोगों को ये गलत फहमी हो गई है कि वो शाहरुख खान की फिल्मों के लिए बड़ा अच्छा बोल रहा है। ये अच्छा नहीं, ये दो मुहा सांप है। जब आपको वो डसेगा तब आपको समझ में आएगा। एक्चुअली शाहरुख खान की इस वक्त तारीफ कुछ रिव्यू को करना मजबूरी हो गई है, क्रिटिक्स को करना मजबूरी सिर्फ इसलिए हो गई है कि वो जो 1,000 करोड़ का बोर्ड लगा है उसके आगे ये बेबस नजर आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब इसके खिलाफ मैं बोलूंगा तो लोग मुझे चूतिया समझेंगे, बेवकूफ समझेंगे। तो जाहिर सी बात है वो चीजें उनको बोलनी पड़ रही, उसकी अच्छाई। एक मौका उनको अगर मिल गया शाहरुख खान की आने वाली फिल्मों में ना कमी में कमजोरी में, तो ऐसी धज्जी उड़ाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और रही बात सलमान खान की और सलमान खान के फैंस की, तो 35 सालों के से सलमान के फैंस ये चीज़ देखते आ रहे हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं छुटपुटिया नए सलमान खान के फैंस की बात नहीं कर रहा, रियल सलमान खान के फैंस की बात कर रहा हूँ। उनको पता है ऐसे भौंकने वाले रोज आते हैं, भौंक के चले जाते हैं, लेकिन उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, ये रियल सलमानियाँ हैं। लेकिन शाहरुख के फैन जो उछल रहे हैं इसी सोच कर कि ये मेरे एक्टर की बहुत तारीफ कर रहा है, वेट करो एक छोटा सा पॉइंट मिलने दो, फिर वो ऐसी धज्जी उड़ाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते। जो चना बेचने वाला इंसान है, जो रिव्यू दे रहा है चना बेचता था ये पहले थिएटर के बाहर, इस इंसान के बारे में इतना कहूंगा, अगर ऐसे इंसानों को लोग फॉलो किया और ऐसे लोगों की बातें मानने लगे कि ये जो बोल रहा है वो सही है, तो याद रखना आने वाले कल में जो लोग कहते हैं ना गधे जंगल पे राज करेंगे, तो 100% राज करेंगे, क्योंकि ये गधों के ही पुजारी है, ये गधों को पूछता है और इसको लगता है ये जो करता है बहुत ही परफेक्ट है। लेकिन इसको पता एक्चुअल है नहीं कि ये जो बोल रहा है वो बिल्कुल झूठ है और जिसको ये सच बनाने की कोशिश कर रहा है। बात समझ रहे हो आप। हम एक चीज़ कहना चाहेंगे हर बार सलमान खान के फैंस को, और सलमान खान को कोई जज ना करे तो बेहतर है, क्योंकि सलमान खान उनकी सोच से बहुत ही ऊपर है। सलमान खान को वही समझ सकता है ना जो यहाँ से एकदम साफ होगा, बाकी लोगों के समझ के बाहर है सलमान खान, और इसमें हमें कोई नाराजगी नहीं है। तुम चिल्लाओ चीखो कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता। मैं नॉर्मली इस टाइम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सलमान भाई के बारे में अगर मैं प्रूफ दूंगा तो मुझे लगता है सलमान भाई की बेइज्जती है। वो भी इस जैसे चना बेचने वालों के लिए मैं प्रूफ दूं 100% यार, ये तो फिर सलमान खान का अपमान हो जाएगा बहुत बड़ा। सलमान क्या रुतबा रखते हैं
ये सारी दुनिया को पता है, अब 10-15% लोगों के लिए उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक फैमिली में अगर 10 मेंबर रहते हो तो कोई जरूरी नहीं है कि 10 के 10 आपसे खुश हो सकता है 10 में 8 आपसे खुश होंगे, 2 नाराज होंगे। तो ये जब घर में एक चीज हो सकता है तो ये तो दुनिया है, तो दुनिया में जब करोड़ों प्यार करेंगे तो उसमें कुछ परसेंट आपको हेट तो करेंगे ही करेंगे। तो उसी लिस्ट में ये उल्लू भी आता है, जो उल्लू जैसी शक्ल वाला, ये भी आता है उसमें। और ये जो चिल्ला के बोल रहा है मेरे सब्सक्राइबर वापस आ जाएंगे, ये वो मुझे पता है कि आने वाला दिन इसके लिए इतना बुरा होगा, जिस वक्त ये लोग जाग जाएंगे सलमानिया ना, ये रोएगा कि चैनल देखने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि ये ऊपर वाला कहता है जब आप हेट फैलाओगे तो आप ज्यादा दिन तक सक्सेस नहीं हो सकते। एक ऐसा, मैं बार बार बोलता हूँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपको मिला है, अच्छा चीज मिली है, उसको अच्छी तरीके से यूज करो, अच्छी चीजें बताओ, लोगों को जोड़ने की कोशिश किया करो, ना कि हेट फैलाने की। जो चीजें बुरी लगे उसको ये बोलो ये बुरी लगे, लेकिन गिरा कर नहीं। और सलमान खान के बारे में जो तुम इतना बोल रहे हो ये फ्लॉप हो गया, ये वो हो गया, ये तुम्हारा दिल जानता है वो फ्लॉप है कि हिट है, ब्लॉकबस्टर है, ये तुम्हें पता है। ठीक है, ज्यादा उसके बारे में मुझे प्रूफ देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जब इंसान का ये भेजा जब खाली होता है उसको लाख समझा उसके दिमाग में बात बैठेगी नहीं, क्योंकि वो जाहिलपन पे उतारू हो गया है, नहीं समझा सकते, क्योंकि उसने कसम खा ली है कि हम नहीं समझेंगे या फिर हम नहीं सुधरेंगे, ये भी हो सकता है। सलमान भाई की ये फिल्म कमाल की है, जबरदस्त है, और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर है, ये 100% मैं बोल रहा हूँ आज भी और आने वाले कल में भी हमेशा बोलूंगा, टाइगर ब्लॉकबस्टर है तो है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखना।